सम्मानीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार और असम सरकार की अधिकारीगण, अल्फा का सारे डेलीगेशन इंक्लूडिंग चेयरमैन वाइस चेयरमैन सारे लोग, हमारे सिविल सोसाइटी से आए हुए प्रतिनिधिमंडल, आज असम के लिए और एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल में गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन में हमारा असम का जो शांति का प्रक्रिया ये निरंतर चलते रहा। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारा पास था। आज सक्सेसफुल गृह मंत्री अमित शाह जी का भेंट दिखाव में हमने बोडो एकॉर्ड किया, कार्बी एकॉर्ड किया, आदिवासी एकॉर्ड किया और करीबन 8,756 जो हमारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए युवा साथी थे सारे लोग आ चुका है। तीनों एकॉर्ड का अच्छा इंप्लीमेंट हुआ और तीनों एकॉर्ड से हमारा जो ट्राइबल मिलिटेंसी था ये खत्म हो चुका। असम में आज सभी मेन स्ट्रीम में है। अल्फा एक बहुत बड़ा एजिटेशन था, धीरे धीरे अल्फा ने आर्म्स को पकड़ा। एक असम का जो 1988 से इतिहास हुआ ये इतिहास एक हिसाब से ब्लैक सेट का इतिहास रहा। काफी लोग मारा गया पूरा इस दौरान टिल 98 टिल टुडे में। एक जो हिसाब आते हैं कि ये पूरा प्रकरण में 10,000 लोगों का मृत्यु हुआ, वो इसमें इनोसेंट सिविलियन थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे और खुद अल्फा का मेंबर्स थे। सारे लोगों मिला के 10,000 जैसा लोगों का निधन हुआ और ये सारे 10,000 लोग अगर हम सिक्योरिटी फोर्स का 200-300 शहीदों को मैं छोड़ देता हूँ तो ये 9,500 और जो लोग हैं ये असम का ही था, ये हमारे असमीस लोग ही था जिसका पूरा ये 20 साल का दौरान निधन हुआ। कोई खुद भी नहीं जानते हैं कि उनको क्यों मारा गया। बहुत लोगों को अपना ड्यूटी में चला गया, बम ब्लास्ट हुआ, वो मर चुका। उनका फैमिली को आज भी ये जवाब नहीं है कि मेरा हस्बैंड मेरा बेटा को क्यों मारा गया, कोई नहीं जानते हैं। और जो लोगों को मारने के लिए बोला गया है शायद वो लोग भी नहीं जानते हैं, जानते थे मैं इसको क्यों मार रहा हूँ। ऐसा ही असम का इतिहास रहा। धीरे धीरे सीधे धीरे धीरे हिस्ट्री आगे बढ़ा। हमारा अल्फा का चेयरमैन का नेतृत्व में लोगों ने निर्णय लिया कि हम भारत सरकार का साथ बातचीत करके ये समस्या का हल करूंगा। भारत सरकार का गृह मंत्रालय ने एक बहुत ही डिसिसिव स्टेप लिया कि हम अल्फा का साथ निगोशिएट करूंगा और ये सारे जो इश्यूज है इनको एक क्लोजर तक लेके आऊंगा। आज इसी का ही फल है कि हमारा आज एकॉर्ड होने जा रहा है। ये एकॉर्ड का जरिए असम का जो लोगो है लोगों का काफी सारे एस्पिरेशन फुलफिल होगा। एकॉर्ड है या एकॉर्ड नहीं है, इन जनरल 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आउटरीच रहा नॉर्थ ईस्ट और असम के लिए इसका कारण असम में एक पूरा शांति का माहौल हुआ और ये सारे जो एकॉर्ड हुआ ये सारे एकॉर्ड का कारण ये शांति का माहौल को काफी बल मिला। गृह मंत्री अमित शाह जी का एक अपना इनिशिएटिव रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को देश का साथ पूरा आगे ले जाना है, इसीलिए असम त्रिपुरा हर जगह में सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आज शांति का पहल हुआ। काफी सारे इलाका से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का उद्रो हुआ। आज असम में खाली 15% इलाका में ही आपसा है, बाकी 85% इलाका से आपसा का उद्रो भी हो चुका है।
ये अकॉर्ड का बात मैं विश्वास करता हूं कि आसाम में पूरा स्थायी शांति आएगा और ये अकॉर्ड के लिए मैं अल्फा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग ने ये स्वीकार किया, आप लोग ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार का और असम सरकार का साथ अकॉर्ड करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद इसको पर्सनली सुपरवाइज किया कि सारा अकॉर्ड हो जाए, असम में शांति आए। मैं असम वासियों का ओर से आज का ऐतिहासिक दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देता हूं और साथ में अल्फा का नेतागण को भी मैं धन्यवाद देता हूं आज का ये हिस्टोरिकल अकॉर्ड के लिए। ये अकॉर्ड में काफी सारे चीज है जो असम गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, काफी सारे चीज है जो भारत सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, बॉर्डू अकॉर्ड, कार्बी अकॉर्ड, आदिवासी अकॉर्ड, सारे अकॉर्ड को 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए गृह मंत्रालय ने काम किया, हमेशा हमें मार्गदर्शन मिला और असम सरकार ने भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे कदम उठाया। मैं विश्वास का साथ बोल सकता हूं कि ये अल्फा का जो अकॉर्ड है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आशीर्वाद से भारत सरकार और असम सरकार दोनों 100% इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। मैं आज का यह ऐतिहासिक दिन में पुनः एक बार जो हमारे सिटीजन ने, हमारे असम वासियों ने ये पूरा समय में अपने आप को बलिदान दिया, मैं सारे परिवारजनों को पुनः एक बार विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग सब असम को एक बेहतर प्रदेश बनाऊंगा, भारत वर्ष का अंदर में असम को एक शक्तिशाली प्रदेश बनाऊंगा और आप लोगों का जो बलिदान रहा, ये बलिदान को हमने आगे रखते हुए असम को शांति, प्रगति और विकास का ओर लेके जाऊंगा। पुनः एक बार मैं आज का ये हिस्टोरिकल ओकेजन में असम वासियों को मैं पुनः नमन करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं